जो बात थी उनको कहने की, जो बात थी उनको कहने की, वो बात ही कहना भूल गए, औरों का पता ना याद रहे, हम अपना पहचाना भूल गए। ऐसा जादू किया है नजरों, जादू किया है नजरों, जादू किया नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया। मोहब्बत में अंगड़ाई भी है यार, मोहब्बत में अंगड़ाई भी, मोहब्बत में अंगड़ाई भी, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में आ। जोरदार तालियां होनी चाहिए आज के हमारे लास्ट कंपेटिटर सुफियान अदा बैंड के लिए। हाँ जी, तो जितने भी परफॉर्मर्स, जितने भी कंपेटिटर्स आपके भी सामने रहे हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए फॉर एवरीबॉडी हु परफॉर्म टुनाइट फॉर अस। क्या कह रही हो? जोरदार बोली थी तो तालियां तो और कमजोर हो गई, जोरदार और असरदार तालियां होनी चाहिए। हमने अपने जजमेंट्स फॉर्म कर लिए हैं अपनी अपनी कैटेगरीज में, लेकिन अब सबसे जरूरी पार्ट, हमारे जजेस को भी तो एक मौका मिलना चाहिए आपके सामने परफॉर्म करने का। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा उर्दूदान साहब को। आमिर भाई, इफ यू वुड बी सो काइंड टू प्लीज ब्लेस द स्टेज। और जैसा कि मैंने कहा है कि तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, क्या सर्दी वैसी ज्यादा है, हाथों को गर्म रखने के लिए मलना पड़ता है। मैं कह रहा हूं मल काय को रहे, साथ में बजा लेते हैं, ऐसे ही गर्म हो जाएंगे। तो तालियां एक बार फिर से जोरदार होनी चाहिए हमारे आमिर भाई के लिए उर्फ उर्दूदान साहब। थैंक यू मान, थैंक यू सो मच। और लेता हूं आदाब, अस्सलाम वालेकुम, हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग। एक हू हा जो भी आप करते हो करके बताइए कि एवरीबॉडी इज अलाइव एंड किकिंग, और सुन रहे हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। एंड ये मल्टीपल जॉनरास के साथ हो ही जाता है, जैसे अभी ये पढ़ के गए सुफियान, तो एक अलग जोन में आपको ले जाते हैं। उसके बाद हो सकता है यहाँ मसलन कॉमेडी हो रही होती, तो कॉमेडी के बाद परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल होता है, या किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल के बाद परफॉर्म करना, क्योंकि शायरी जो है वो एक बहरहाल एक संजीदा सिंफ है, और उसमें कभी कभी लोग मजाक करते भी हैं, लेकिन मोर और लेस सीरियस बात ही होती है। तो कितने लोग आप लोगों में से शायरी सुनते हैं, यू नो, ये नाम आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं? तहजीब हाफी हुए, ज़ुबैर ताबिश हुए, या अब्बास कमर हुए, ये हिंदुस्तान के वो नाम हैं जो आज शायरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। और अभी दो दिन पहले गालिब की बर्थ एनिवर्सरी भी थी, यौमे पैदाइश था गालिब का, और गालिब बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, भोपाल भी आ चुके हैं, भोपाल में उनका नुस्खा जो है बड़ा मशहूर है, नुस्खा हमीदिया, बड़ा ताल्लुक रहा है उनका। और उनके एक शेर से मैं बात शुरू करता हूँ, शायद ये शेर आप तक पहुँचे कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। तो ये गालिब का कलाम जो उन्होंने 19th century में लिखा था, आज तक हमारे साथ मौजूद है, इस कलाम ने सफ़र करके हम तक आया है। तो शायरी एक ऐसी चीज़ है जो बड़ा असर करती है, बड़ी देर तक आपके साथ रहती है। यहाँ सूफियान का जो बैंड है वो गा रहे थे, मुझे एक जहीन अली ताजी साहब हैं, उनका एक शेर याद आ रहा था कि तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। शेर सुनिएगा, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। तो अगर आप लोग सूफिया रंग से वाकिफ हैं तो ये एक शेर मेरे जहन में था। बहरहाल जब भोपाल की अगर बात करें, अच्छा शायरी में एक इशू हो गया कि आप सिर्फ शायरी नहीं सुना सकते, आपको थोड़ी सी कहानियां जो है ना उसके साथ जोड़नी पड़ती है। तो मैं अगर चाय की बात करूं, कितने लोग हैं यहाँ पे जो चाय पीते हैं? अच्छा पीते हैं आप लोग, सीरियस संजीदा तौर पे चाय पीते हैं, अच्छी बात है, हर रोज शाम में आपको चाय चाहिए, सही। और
चाय पे एक मेरा शेर था, बड़ा ढूंढ के मैंने निकाला कि चाय पे कुछ बात करनी चाहिए। तो रंग थी, खुशबू थी या जादू थी वो, रंग थी, खुशबू थी या जादू थी वो, चाय पिलवाती रही राजू की वो। चाय पिलवाती रही राजू टी स्टॉल पे, जो लोग चाय अगर गए हो कभी तो उससे वाकिफ हैं। और मुझे लगता है आप सबने पी होगी, हमारी तो सारी जवानी वहीं गुजर गई बैठे बैठे। अच्छा, एक अलग ख्याल है आज की दुनिया के हिसाब से। एक शेर था कि डर डर के एक बार निकाला बदन से सर, डर डर के एक बार निकाला बदन से सर, सर भी निकल गया मेरा, डर भी निकल गया। औरंगजेब कह रहे हैं वाह वाह वाह। डर डर के एक बार निकाला बदन से सर, सर भी निकल गया मेरा, डर भी निकल गया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और शेर देखें, ये मोहब्बत के नाम। आप में से कितने लोगों ने मोहब्बत की है या आपके साथ की गई है? आंसर सभी होंगे, हाथ ना भी उठाएं कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि भाई मोहब्बत तो इंसान को हो जाती है। तो शेर है कि मेरा ये शेर है कि हम हैं जंजीर में कैद, आप हैं तस्वीर में कैद, हम हैं जंजीर में कैद, आप हैं तस्वीर में कैद, वक्त जब मिल ही गया है तो चलो बात करें, वक्त जब मिल ही गया है तो चलो बात करें। यार ऐसे ठंडी पब्लिक के साथ मजा नहीं आता यार, थोड़ी सी एनर्जी आनी चाहिए। बिना एनर्जी के क्या मतलब, कॉफी भी मिल रही है वहां जाके, आप कॉफी भी पी सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स भी हैं, थोड़ी सी जान आप, हम भी लगा रहे हैं, आप भी लगाइए यार। अच्छा, मेरा सुना अस्सलाम वालेकुम, मैं रमेश भोपाली आपको लेके आ गया रविंद्र भवन, रविंद्र भवन में तो अच्छा शो चल रहा है मेरे पीछे। 1985 में जब इफ्तिखार भाई के साथ का इंतकाल हुआ तो शब्बीर भाई की तरफ से कोई नहीं है। अब शब्बीर भाई की अम्मी जब मरी है तो हम भी नहीं गए, इस किस्म का नहीं जा रहे, आपको लेके चलते हैं दिखाते हैं। बुटीक वाले बड़ा मजा आ रहा है शादियों में, तो इस तरह की शादी। अब शादियां दो तरह की होती हैं, शादी एक अमीर एक गरीब। आपको निकाह कबूल है मुझे देखता और अब्बा को देख के बोलता समझा लो इनको, 35 की ओर है, मुझसे पूछ रहा कबूल है, मैं इनको धमाड़ा फड़ा मार दूंगा उठ के। अब तो कबूल हो गई ना यार, किसी भी हाल ना मुझे यार, ऐसी बातें कर रहा हूँ। अच्छा, कपड़ों में लड़कों का अलग होता है, हमारे लड़कों में 25 लोगों के ग्रुप में एक आदमी शेरवानी पहनता है और फिर वो 25 के 25 वो शेरवानी पहनते, जब तक वो शेरवानी के छींचड़े नहीं निकल जाते ना, छींचड़े जब तक वो शेरवानी पहनते। अच्छा, गरीब दूल्हे तो प्रोसेस करवा रहा हो कैसे तैसे, तो शादी में आया। अच्छा, उसके चेहरे पर ऐसा मेकअप कर देते उसके चेहरे पर ऐसा लगता है कि सूरजमुखी की बीमारी हुई, इतनी गर्दन काली, 5 रुपये का फेयर एंड लवली लगा के उसको 500 रुपये लूट लेता है बेचारा पार्लर वाला कैसे तैसे। खैर, अच्छा, अमीरों के अंदर एक चीज़ और होती है, अमीर बड़े बड़े दिल वाले होते हैं, बहुत दिल वाले होते हैं। एक मेरा दोस्त है, वो बड़ा अमीर है, तो एक बार हम लोग एक रास्ते से निकल रहे थे तो वहाँ पर एक कुत्ते को लग गई थी, क्या मिल सकते, इसी कुत्ते को लगी तो अमीर दोस्त मेरा रुका, उस कुत्ते को जरा सा ट्रीटमेंट दिया, वो ट्रीटमेंट देके करा। उसके बाद फिर हम जब थोड़ा सा आगे गए तो एक आदमी को लगी पड़ी थी। मैंने अमीर दोस्त से बोला, मैंने कहा इसके लिए भी रुक जाए, के लिए नहीं यार गाड़ी गंदी हो जाएगी। तो फिर एक ऑटो वाला रुका और ऑटो वाला रुक के उस गरीब को बिठा के गया, तो गरीबों का दिल बड़ा होता है इससे समझ में। खैर, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं एक बहुत अदना सा शायर हूँ और मैं इस महफिल में खड़े होकर मैं आपके लिए एक शेर, इस पूरे लोगों के लिए, आज के माहौल के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। शेर कुछ ऐसा है कि कोई जाकर उन बच्चियों से उनका हाल पूछो जिन्हें 12 महीने और 10 मुहर्रम नजर आता है, कोई जाकर उन बच्चियों से उनका हाल पूछो जिन्हें 12 महीने और 10 मुहर्रम नजर आता है। अब इस जमाने में कहां से ढूंढूं हुसैन जैसा किरदार,
अब इस जमाने में कहां से ढूंढूं हुसैन जैसा किरदार, 48 मुल्कों पर मुझे यजीद नजर आता है। कॉम्पोजिशंस और बाकी अगर आपको रात पसंद आए तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। मैं बस मेरे जितने जवान भाई हैं जो एक दो तीन चार चौथी रो के बाद बैठे हैं कॉन्सर्ट्स में, रात में तब तक मजा नहीं आता जब तक मेरी जनता खड़ी हुई ना हो, थोड़ा सा एनर्जी ना हो, तो मैं कम से कम भाइयों से और बहनों से तो गुजारिश कर ही सकता हूँ, कैन एवरीवन स्टैंड अप, लेट्स ऑल वाइब टू द ट्रैक। इधर से अगर थोड़ा सा उठना शुरू करें हमारे लोग, थोड़े से और उठ सकते हैं। जो बैठे हैं वो बैठे रह सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा कॉन्स्टेंटली जब तक वो उठ नहीं जाते। जितने हैं, जितनों को लगता है दैट्स मोर देन एनफ, आई वोंट फोर्स एनीबॉडी। रिहान इज द ट्रैक रेडी, कैन आई हैव सम म्यूजिक प्लीज। सबके कपड़े सिलता एक चरखा किसका कितना तंग है, मुझे वक्त मुश्किल याद है तब भी अंबर नीला था, मेरे पैर तो तब भी मैं एंटी थे वक्त झूठा डीला था, गिर गिर कर मैं खुद संभला था पर हाँ झेला हर हमला था, एक पत्थर पर चढ़कर खुश था जब फतेह करना मुझे गीला भटका था, हामियों में रास्ता भूल के मैं सरहारा, सांसें तंग थी दिल में गम था, हर लम्हा ही कफारा था, हर नजर में नफरत दिखती थी, हर घड़ी नशे में लिपटी थी, टूटा था अंदर से फूटा मेरे सपनों का गुब्बारा, हालत की अंधेरी गलियों में ढूंढा चिराग सही का पहना। हमारी जो मेन परफॉर्मर है आज की शाजी, उनके मॉम डैड हैं तो उनके लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऑलराइट, दिस वन इज कॉल्ड अंडरग्राउंड एंथम एंड नाइस, माय मॉम एंड डैड आर हियर एज वेल, कैन आई हैव द म्यूजिक प्लीज। खड़े रहना, विल बी जंपिंग टू दिस। मैक भाई, आई नीड द क्रेजीएस्ट एलईडीज टू दिस वन, प्रॉपर क्लब वाइब वाली। ऑलराइट, म्यूजिक इन 3, 2, 1 गो। लीड गिटार पे वी हैव अपूर्व, बेस पे वी हैव सलमान सर, दूल्हे राजा आइए, बैकग्राउंड वोकल्स पे वी हैव विशाल, उदित एंड महविश। और मेन हमारे आर्ट्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं 2 मिनट लूंगा टू वेलकम एवरीवन वंस अगेन टू शबे भोपाल, बीकेबी का अपना कार्निवल।
powered by Stone Gallery, sponsored by Fitness Headquarters, Zindal Hospital, Media Partner Z Salam, and Hospitality Partner Grand Majestic. और अब इसी के साथ ज्यादा देर ना करते हुए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा सबसे पहले मेरे बड़े भाई साहब को राशिद सर. कैन आई हैव यू ऑन द स्टेज प्लीज. एंड नेक्स्ट अ वुमन हु हैज performed in front of celebrities that have no count, including but not limited to Shah Rukh Khan, A.R. Rahman, Badshah, Sunidhi Chauhan, aur ye list bahut lambi hai. Agar main sirf is Adab everyone. Adab. Yaar ye jo hazrat peeche baithe hain, meri guzarish hai ki aap log ke paas hi aa jaye yaar. Itni duri achhi nahi hai. Aa jaiye. पक्की बात है सर. ठीक है. तो अब तक हमारे बहुत सारे बेहतरीन आर्टिस्ट परफॉर्म कर चुके हैं यहाँ पे. हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके जैसा एटलीस्ट कम ना करें, उनके बराबर का कर लें ताकि आप लोगों को एंटरटेन कर पाए. हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं इसी मंच पर, इसी जगह पर, और ये हमारा बैंड है जिसका नाम है तसव्वुर. आप इनमें से बहुत सारे लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं. तारुफ मेरे दोस्त मेरे भाई अमान ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और डायरेक्ट परफॉर्मेंस शुरू करते हैं. मेरी दरख्वास्त है मुज्जी साहब से, वो जहाँ कहीं भी हों ज़रा मेरी नज़रों के सामने पहुँचे. बीकेबी की पूरी टीम जहाँ कहीं भी हो, जो भी काम कर रही हो, वो काम छोड़ के यहां पहुंचे. पूरी बीजेपी
की